नन्ही परी का बर्थडे। देख लीजिए कितनी क्यूट सी एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है मैं नहीं बताऊंगी। तो जय हो जी के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस जा रहे हैं आज हम पार्टी करने। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने हो रही है प्यारी सी बच्ची की बर्थडे पार्टी। और ये वो बच्ची देख लीजिए कितनी क्यूट लग रही है। और जिन्होंने गोद में ले रखा है ये है इनकी प्यारी सी मम्मा। देख लीजिए मम्मा भी कितनी ज़्यादा सुंदर है इनकी। इनका नाम है शालू और लड़की का नाम मैं आपको बाद में रिवील करूँगी। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर बर्थडे पार्टी का फंक्शन हो रहा है। कितना ज़्यादा अच्छा फंक्शन कर रखा है इन लोगों ने अपनी डॉटर के लिए, क्योंकि वो आज एक साल की हो गई है पूरी। तो देख लीजिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, इनके रिलेटिव्स, हमारे रिलेटिव्स, काफ़ी सारे लोग थे। काफ़ी अच्छा फंक्शन था। तो गाइस इनका डांस देख लीजिए आप, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ये। और अब आ गए हैं स्नैक्स, थोड़े से स्नैक्स खा लेते हैं। और ये है निशा। गाना गैस करके आप बता दो, स्टेप देख कर आप बता दो सकते ही हो कि कौन सा गाना है। तो गाइस कमेंट करके बता दो, और नहीं पता जिन जिनको ने मैं बता देती हूँ। हुसैन ने तेरा तौबा 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 देख लीजिए यहाँ पर लगा रखा है केक कटिंग के लिए प्लेस। ये रहा देख लीजिए फंक्शन। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि इन दीदी की लव मैरिज हुई है और आज भी ये इतनी खुश हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए बनना बिल्कुल जोड़ी भगवान ने बनाई है, यही हुआ है। और देख लीजिए बताइए कौन सा गाना गा रही है निशा, आप ही बता दीजिए कमेंट करके। तो गाइस इस फंक्शन में हमें इतना टाइम से जाना था लेकिन इतने ज़्यादा लेट हो गए थे जाने के लिए। और निशा और मम्मी की मस्ती देख लीजिए आप। निशा तो मम्मी को भी अपने साथ खींच लेती हैं हर मस्ती में, जबकि मम्मी को गाना आता भी नहीं है। और ये हो रहा है फंक्शन। और इस बच्चे को देख लो, उसकी क्यूट क्यूट हरकतें। और अब दिखाते हैं आपको डांस। इनका नाम है नेत्रिका पिंक फ्रॉक वाली, और इनका नाम है एंजल। और इनको नाचना बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी डांसर तो है ये प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है सिद्धि, और इनके भाई का नाम है विनायक। बहुत प्यारे प्यारे नाम है इनका। डांस देख लीजिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ये मामा, देख लीजिए गाइस। और ये इनकी लड़की है, ये डांस कर रही है तमन्ना जी के गाने पर, जैसा कि आपने सुना होगा आज की रात मज़ा हुस्न का बाहों आँखों से बाहों से आई डोंट नो। तो गाइस जिस वाले गाने पर डांस कर रही है, आता है मुझे गा के दिखा। आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। इन लोगों के डांस के बाद अब आएगी नन्ही परी की बारी, जो कि वॉकर में एंट्री की थी और मम्मी पापा के साथ बहुत प्यारा फोटोशूट हुआ था आगे तक के लिए। जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी और देखेगी कि मैं कितनी छोटी थी और कितना प्यार से मुझे मेरा ध्यान रखा जा रहा है, और अपने मम्मी पापा को देखेगी कि इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, इतनी केयर कर रहे हैं बचपन से, देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही है वॉकर में बैठी हुई। इतना प्यारा फोटोशूट कराया था। अब इनके मम्मी पापा भी आने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको मम्मी और पापा दोनों दिखाऊंगी। यही है इनके मम्मी पापा, देख लीजिए। बहुत ही प्यारा फंक्शन कर रखा था इस नन्ही परी के लिए। बहुत अच्छा लगा इस फंक्शन में जाकर, क्योंकि ऐसी वाइब्स आ रही थी। मम्मी हमें बता रही थी कि बेटा इतना कुछ तो नहीं था, लेकिन हमने भी तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। छोटे छोटे फंक्शंस ऐसे हमने भी किए थे, बट उस समय की जो बात थी वो इस समय से बहुत अलग थी, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें नहीं थी कि इतना अच्छा डेकोरेशन किया जाए, इतना अच्छा केक, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अपने मम्मी पापा जो होते हैं वो तो बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं। और माई वन ऑफ फेवरेट सीन ये देख लीजिए, बहुत प्यारी हरकतें कर रही थी। तो गाइस अब तो आप लोगों को केक पर नाम देख ही गया होगा कि केक पर नाम है समृद्धि और इनका नाम है समृद्धि, बट ये नन्ही परी बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये नन्ही परी हैं। देख लीजिए इतनी प्यारी लग रही थी, इतने लोग केयर कर रहे थे इनकी, हवा कर रहे थे इनको, कोई पानी पिला रहा था, कोई कुछ, सारे लोग इस प्यारी सी बच्ची में लगे हुए थे। और अब करते हैं केक कटिंग। तो गाइस हम लोग गए थे यहाँ पर, और अब कर लेते हैं केक कटिंग। तो देख लीजिए अब केक कटिंग हो रहा है, उसके बाद समृद्धि सबको केक खिलाएंगी। लगता है आपको समृद्धि सबको केक खिला पाएंगी? नहीं नहीं नहीं, उनके मम्मी पापा को ये शुभ काम करने पड़ेंगे। तो गाइस देख लीजिए चाकू से खा रही है समृद्धि केक, ले लिया उनकी मामा ने उनको गोदी। देख लीजिए कितने सारे लोग आए हैं इनके बर्थडे पार्टी में, शालू दीदी की मम्मा पापा पूरी फैमिली। मतलब ऐसा है कि शालू दीदी की फैमिली अब हमारे यहीं है, और शालू दीदी की तो शादी हो गई है, वो थोड़ा सा दूर चली गई हैं, बट उनकी फैमिली से काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है हमारी। हम उनकी मम्मा को मम्मा ही बोलते हैं और उनके पापा को पापा ही बोलते हैं, बिकॉज़ वो हमारे पापा से बड़े थे, तो बड़ी मम्मा और बड़े पापा हम लोग बोलते हैं उनको। और ये देख लीजिए कितना प्यारा सीन है। कल को समृद्धि ये वीडियो देखेगी तो सोचेगी कि मेरे मम्मी पापा ने कितने नाजों से मुझे पाला है, और उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सब देखकर। इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया है, मेरा और कोई मोटिव नहीं था।
और देख लीजिए समृद्धि कितनी प्यारी हरकतें करती हैं, बड़ी होकर तो और भी क्यूट लगेंगी, बचपन में तो क्यूट हैं ही। तो गाइस फंक्शन में पहुंचते ही ऐसा हुआ था कि गाने ही गाने चल रहे थे, इस वजह से वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। आप लोगों को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, सारे बच्चे लथपथ हो गए गुब्बारों में, बिल्कुल मतलब गुब्बारे फोड़ने लग गए थे। और ये देख लीजिए समृद्धि का केक। अब समृद्धि को ये थोड़ी सी इरिटेशन बिकॉज उनकी ड्रेस काफ़ी बड़ी थी। और ये देख लीजिए दीदी का है ये फाइनल लुक। ये हमसे बहुत बाद में आई थी क्योंकि काम से गई हुई थी किसी, तो बहुत ज़्यादा बाद में आई थी। और अब देख लीजिए पहले एंट्री हो चुकी थी और देख लीजिए डीजे भी लगा था, बट कोई ना चाहिए। तो गाइस इतनी ज़्यादा लेट आई हैं, उसके बाद बस खाना खाया और चले गए घर की तरफ। और देख लीजिए इनका फाइनल लुक है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी बट समझ ही नहीं आ रहा था हम लोगों को कि क्या पहने क्या पहने। इस वजह से दीदी नॉर्मल से कपड़े पहन कर आई, फिर भी सोच रही थी पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन लिटरली मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। देख लीजिए ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, फंक्शन ख़त्म हो चुका है और अब हम जाते हैं घर की तरफ। आप लोग भी चलिए हमारे साथ घर की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक आने के लिए। ये वीडियो समृद्धि के लिए बनाई गई है, समृद्धि बड़ी हो जाएंगी तो देखेंगी।